उदाहरण 19, बहुपद एक्स की घात 2 धन 3x धन 2 का गुणन खंडन कीजिए। बहुपद एक्स की घात 2 धन 3x धन 2 की तुलना, सबसे पहले हम ए एक्स की घात 2 धन bx धन c से करने पर हमें a का मान a बराबर, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं है तो हम a 1 लेते हैं, और b को bx को 3x से तुलना करने पर b का मान यहाँ पे 3 है, उसी तरह से c बराबर 2 है। अब कहीं हम a को c से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 2 2, यहाँ 2 के हम संभावित गुणनखंड देखते हैं। 2 को हम 1 गुणा 2 भी लिख सकते हैं या ऋण 1 गुणा ऋण 2 भी लिख सकते हैं, दोनों पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। अब इनके योग को देखते हैं, कहीं 1 गुणा 2 में 1 और 2 को हम जोड़ते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, जो कि ये मध्य पद बी के बी का मान है मध्य पद, और उसी तरह से कहीं हम ऋण 1 को ऋण 2 के साथ जोड़ योग करते हैं तो हमें ऋण 3 प्राप्त होता है, जो कि बी का मान ऋण 3 नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस 3 का जो मध्य पद है हमारा, उसको हम तोड़ के 1 धन 2 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में भी 1 गुणा 2 आ रहा है और योग में मध्य पद 3 प्राप्त हो रहा है। तो हम पुनः अपना बहुपद जो दिया है, जिसका गुणन खंडन हमें ज्ञात करना है, उसे लिखेंगे एक्स का घात 2 धन 3x धन, ये 2 लिख लिए हमने सबसे पहले, बराबर पहला पद एक्स की घात 2 धन 3x को हम 1 धन 2 के रूप में लिखेंगे, इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं सबसे पहले 1 धन 2 और कोष्टक के बाहर एक्स धन 2 बराबर एक्स की घात 2 धन, कोष्ठक को जब हम खोलेंगे तो 1 गुणा एक्स धन 2 गुणा एक्स धन 2 हमें मिलेगा। अब इसमें हम दो दो के समूह बना लेते हैं, एक्स की घात 2 धन 1 गुणा एक्स, जो कि हम कोष्ठक में लिखते हैं धन, दूसरा जो समूह है 2 गुणा एक्स धन 2, इसे हम दूसरे कोष्ठक में लिखते हैं। अब इस पहले कोष्टक में हम उभयनिष्ठ देखेंगे, संख्या जो है हमारे पास x जो है ये उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों पद में, तो कोष्टक के अंदर में जब हम x निकालेंगे तो पहले पद में x बचेगा धन, यहाँ पे 1 बचेगा, उसी तरह से दोनों पदों में यहाँ 2 है, 2 को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमारे पास दूसरे कोष्टक में x धन यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि हमने 2 बाहर निकाल चुका है और 2 गुणा 1 2 होता है, तो दूसरे पद में 1 बचेगा। अब ध्यान से देखेंगे हम, पहला पद में हमारे पास x x धन 1 है जो कोष्टक में है, धन 2 और कोष्टक में x धन 2, इनमें पुनः कहीं हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ पे हमें x धन 1 मिलेगा, और जो दूसरे कोष्टक में हम जो बचा है वो हम लिखेंगे x धन 2। इस तरह से हमने x की घात 2 धन 3x धन 2 का गुणन खंडन कर प्राप्त किया है x धन 1 और x धन 2, जो कि हमारा अभीष्ट गुणनखंड है। यह इस प्रश्न का हल होगा।